हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ, अब इप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है बच्चों कि आपको पढ़ाई बहुत ही अच्छे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा, और जो आप जो है हमारा सीक्वेंस में धीरे 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 करके बढ़ रहे होंगे। और हम जो है किस बारे में चर्चा कर रहे थे भाई, हम जो बात कर रहे थे 10th साइंस का कौन सा चैप्टर भाई, चैप्टर नंबर 7, जिसके बारे में क्या है भाई, 6 अंक के जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं, 4 नंबर के जो क्वेश्चन थे और 1 और 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिए थे। और आपको तो पता ही है कि ये जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा नंबर लेने वाला है। लेने वाला मतलब कंटेन किया हुआ है, आपको देने वाला है ना। तो 13 नंबर का जो आने वाला है ये इस चैप्टर से, और 2 बचे हुए और चैप्टर उससे आने वाला है, सामूहिक रूप से आने वाला है। एक यूनिट में मतलब हर बार डिस्कस किया हूँ कि एक यूनिट में 3 चैप्टर है और इस तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने नंबर का भाई, 13 नंबर का। तो आज बात करते हैं जो सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन है 6-6 अंक का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आप बोलोगे सर 6 अंक के क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा रहता होगा। भाई दिमाग लगाओ, हम जब ब्लूप्रिंट डिस्कस किए थे, जब स्ट्रेटजी डिस्कस किए थे, तो आपको क्या पता चला था कि सर 6 अंक के जो क्वेश्चन है ना वो जो है 3-3 अंक करके दिया जाता है। तो वही जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको भी बड़ा बनाया जा सकता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं आज, और आज देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है सर जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और PRQ है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था अध्याय 7 का हम लोग चैप्टर नंबर 7 का कौन सा भाई, जैविक प्रक्रियाएं पोषण परिवहन श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन जो रह गई थी जो कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने वाले थे उसके बारे में शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो सर, हमें पता चलता है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में पूछा गया था सर। क्या क्वेश्चन था, वो बोलता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र जो डाइजेशन सिस्टम है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और स्वच्छ रूप से मतलब अच्छे तरीके से आपको नामांकित चित्र करना था, मतलब आपको डायग्राम बना देना था और क्या करना भाई, नामकरण कर देना था कि ये छोटी आते बड़ी आते ग्रसिका है, और ये जो आपके मुख द्वार है मलाशय है, और ये पूरा जो आपके यकृत लीवर किडनी जितना भी है वो सबको बताना था और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन नहीं पूछा गया है, ये सिर्फ ये पूछा था कि नामांकित करिए घर के। तो देखो आपको डायग्राम दे देना है मतलब बना देना है अच्छे से। इसके लिए 2 से 3 बार अच्छे से आपको जमकर प्रैक्टिस करना है भाई। क्यों, आपको क्या करना है सर, आपको जो भी बनाओ जैसे भी बनाओ, जो आपके पेट वाले जो पोर्शन है इसको अच्छे से बनाना है। क्यों, क्योंकि आपको A to Z समझाना है जांचने वाले को, चेक करने वाले को, है ना। इधर का फेस कैसा भी हो बात की बात है भाई, आपको फोकस करना है। जैसे कि ये आपका क्या है भाई, ये आपका जो है लीवर वाली पोर्शन है, इसको अच्छे से बताना है। और ये जो कैसे ये मलाशय की ओर गया है इसको अच्छे से बता देना है, और जो है पोर्शन अंदर का उसको अच्छे से बताना है। अब बाहर का जैसा है, देखो मुख है, मुख द्वार है, ग्रसिका नली है, वो तो सीधा लकीर में जाएगा। जैसे देखो ये वाला, इसको तो बता ही दोगे, लेकिन इसको अच्छे से बताना ताकि आपको नंबर जो है पूरा पूरा मिले भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन आया है सर ये, तो 3 नंबर आपको पूरा मिले। और जैसे ये डायग्राम बनता है ना, जैसे डायग्राम बनता है नामकरण कर दो। नामकरण में कंफ्यूज वाले होने की बात ही नहीं है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय है, अग्नाशय है, ये सब को देखो कहां का पॉइंट आउट हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देना है, मतलब टिक कर देना है भाई। एक्सप्लेन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, इसका कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन उस पर भी चर्चा करेंगे। अब वो बोलता है सर इसका मैकेनिज्म, मतलब पाचन तंत्र का मैकेनिज्म, मतलब क्या पाचन तंत्र की क्रियाविधि को भी समझाएगी, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, उसको भी अलग से समझाना है। अब क्या पता है आपको, अब आपको मैं बोल दूं, मैं 1000 बार डिस्कस किया हूं आपसे, बार बार डिस्कस किया हूं, खाना क्यों जरूरी है, एनर्जेटिक के लिए, एनर्जी के लिए। अब एनर्जी मिलता है सर, पोषक तत्व तो बॉडी में जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो सब मिल रहा है सर, वो जो है आपको क्या कर रहा है भाई, मुझे बोलने, आपको पढ़ने, आपको लिखने, एग्जाम पास होने, इस सब में बूस्टर का काम कर रहा है, एनर्जी का काम कर रहा है ये। जब ये एनर्जी काम कर रहा है सर, तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ तो होता है सर, कंज्यूम होता होगा, वो कंज्यूम होता है मतलब लगता है आपके बॉडी में, मतलब क्या आपको एनर्जी मिल रहा है, मतलब क्या वो कहीं ना कहीं डाइजेशन या फिर पाचन तंत्र का कुछ क्रियाविधि होता होगा। तो उसी पाचन की क्रियाविधि को ही अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां तक की बात समझ में आई भाई, मतलब साफ साफ शब्दों में बोलूं कि ये क्वेश्चन जो है कैसे आया है। अब मैं बोलूं तो ये जो है पूरा सीक्वेंस है, बोलता है कि कैसे, अब वो बोलेगा क्वेश्चन देख, जांचने वाला क्वेश्चन छापने वाला क्या बोलेगा कि मनुष्य के लिए जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसको बताओ, बोल दिया। तो आप बताओगे क्या, खाना पीना जरूरी सर, तो वो एक्सप्लेन कर दोगे। फिर खा रहे हो तो पचना भी जरूरी है ना, डाइजेशन सिस्टम भी होना जरूरी है, तो उसको भी क्वेश्चन पूछ दिया 3 नंबर में। अब ये सब तो हुआ सर, ठीक है, अब ऊर्जा कैसे जाती है, ट्रांसफर कैसे होती है, परिवहन कैसे होती है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
है ना। देखो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कैसे लेवल बढ़ रहा है भाई। अब देखो, अब आप बोलोगे सर एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं करके, तो आप एक्सप्लेनेशन कर ही लोगे, आपको पता भी है और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के भी आए होंगे। अगर आपको पूरा जानकारी लेना है तो आप हमारे ऐप में आइए, ऐप में पूरा डिटेल्स आपको पूरा ए टू जेड मिल जाएगा भाई। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे क्या मैकेनिज्म के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो मैंने बात रखी थी कि सर जैसे मैं मुख द्वार से खा रहा हूँ रसिका और ये सब ग्रसनी से अपने क्या जा रहा है भाई, वो आपके स्टोमक पेट के अंदर जा रहा है, पेट के अंदर अग्नाशय छोटी आंत बड़ी आंत ये सब अपना काम करके डाइजेशन सिस्टम को क्या पाचन तंत्र की प्रक्रिया को कंप्लीट करके वो आपके मनासे तक जा रहा है क्या जो आप खा रहे हो वो, तो ये सब के पूरा क्रियाविधि को पूरा एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, तब जाकर आपको मिलेगा कितना नंबर भाई, आपको मिलने वाले हैं 3 नंबर अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए अब करके। मतलब कैसे, 6 नंबर का प्रश्न है सर ये पूछा गया है, 3+3 करके, तो 3 नंबर में पूछ दिया पाचन तंत्र को समझाइए, और इस 3 नंबर में वो अलग से बोलता है कि रुधिर के बारे में बताइए जो कि अभी आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के बारे में पूछ दिया, या फिर वो बोल दिया कि अब वो पाचन तो करेगा साथ ही साथ इसको बता दो सर कि वो उत्सर्जन कैसे करता है उसको बता दो, ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया है ना। तो क्वेश्चन को देखो डिवाइड कर दिया ना भाई, क्वेश्चन छाटने वाले ने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसे दे दिया, तो आपको एक्सप्लेन करने के तैयार होना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो आप डायग्राम तो स्वच्छ नामांकन चित्र कर ही दिए, ठीक है, अब पाचन तंत्र का ये सब काम तो कर ही दिया भाई, मुख गुहा से आप खा लिए यहाँ से तक, ये देखो आपकी ग्रसनी के माध्यम ग्रसिका के माध्यम से ये पहुंच रहा है कहाँ, अग्नाशय की ओर पहुंच रहा है ना। तो इसके पूरा क्रियाविधि आप जो खा रहे हो चबा रहे हो, चबाने के बाद जो आपके बॉडी काम करना चालू कर दिया, लार बन रहा है, लार के माध्यम से जैसे अंदर अंदर गया फिर वो जो जा रहा है छोटी आंत में, छोटी आंत का लंबाई ज़्यादा होती है, ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपके बुक में और मैं समझा भी दिया हूँ भाई इस चीज़ को, और पूरा डीप जो है हमारे ऐप में है अच्छे से उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था, तो ये सब होने से जो लार का जो जहाँ से प्रोसेस चालू हुआ वहाँ से पाचन तंत्र का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ फिर आपको क्या पता चल रहा है सर, ये जो है डाइजेशन होकर हमारे एनर्जी के रूप में परिवहन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जाके उसके बाद वो उत्सर्जन के लिए तैयार हो रहा है, फिर जाके हम मूत्र के रूप में और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको क्या कर रहे हैं भाई, आपके बॉडी से निकाल रहे हैं, अपने बॉडी से निकाल रहा है। ये पूरा प्रोसेस हुआ पाचन तंत्र का जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर पाने के लिए इतना करना पड़ेगा और स्वच्छ रूप से आपको नामांकित चित्र भी दर्शाना है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आया भाई, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था सर, ये भी पूछा गया था जब उस टाइम में जब उसका नामांकित चित्र पूछा गया, उसके अगले साल भी उसका मैकेनिज्म पूछ दिया गया, हो सकता है ये इस साल भी आ जाए, है ना भाई। तो आपको ये चीज समझ के चलना है, आगे बढ़ना है भाई, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखते कुछ और क्वेश्चन आता है सर इससे रिलेटेड, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो अंतर स्पष्ट करना है, ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया सर, ये 2018 और 2022 में पूछा गया है, एग्जाम्पल इसका कैसे देना है ये भी समझना है आपको, कैसे, क्योंकि 18 में पूछा गया सर 22 में इंपॉर्टेंट है, अब 22 में आया है तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 23 में आने वाला नहीं है, चांसेस कम ही है ना। तो फिर भी देख लेते थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। वो पूछा क्या है सर कि ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को, अब देखो कुछ में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कुछ में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या बोलते हैं भाई, अंतर देख लेते हैं सर क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सी श्वसन, और जहां अनुपस्थिति में हो उसको बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन, क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आई यहां तक, है ना। अब देखो क्या बोलता है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, भाई बच्चा बच्चा जानता है ऑक्सीजन, मैं ऑक्सी श्वसन बोलते ही मुझे पता चल गया कि यह क्या है भाई, यहाँ ऑक्सीजन की नीड होती है। अब इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर दिया पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से ऑक्सीकरण होगा, ये क्या बोलता है सर, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता। एक एग्जांपल सॉरी एक लाइन याद करोगे इधर का, ये पूरा कंप्लीट आपको ये बन जाएगा, ठीक है, तो इसको फोकस करें ये तो बन ही जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, और इस क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम मोल में 38 ATP के अणु प्राप्त होता है, और इसमें इसके 1 ग्राम मोल में ग्लूकोज के 2 ATP काम करता है, और इसमें इस क्रिया का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल भी होती है, ये आपको अंतर याद रखना है बच्चों, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें डिस्कशन नहीं करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, हो सकता है ये 6 नंबर का क्वेश्चन था 3-3 में पूछा गया था, हो सकता है ये 2 नंबर में पूछ दिया जाए कि इतने क्या की जरूरत पड़ती है, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए, है ना। हमें बात करनी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे, हमारा प्रिपरेशन जो है 100% करना है अपन को, भले वो एग्जाम में पूछा जा रहा है ना पूछा जा रहा है बाद की बात है, लेकिन तैयारी हमें 100% करके आना है, क्योंकि अगर वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछे हो सकता है सर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ दे, तो ताकि आप जो प्रिपरेशन किए हो तो उसका आंसर अच्छे से दे सको, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके अंतर है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, आगे बढ़े।
अमाशय में स्त्रावित एचसीएल का जो कार्य है उसको बताइए, वो भी पूछा गया था भाई 2020 में भी और 18 पूछा गया था। अब अमाशय में सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है जो एसिड रहता है उसका क्या काम रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि 2020 में पूछा गया था सर, चांसेस है 2023 में आने की, 2023 में नहीं आया तो 2024 में आएगा सर, लेकिन ये आने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं भाई, इतना पक्का है। अब क्या बोलता है सर उसका आंसर मैं अगर देना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि आहार नाल की सबसे चौड़ी जो थलीनुमा संरचना होती है अमाशय है ना, वहाँ पर जो क्या होता है भाई एक दीवार के रूप में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है सर। उसके बाद इनके द्वारा स्त्रावित जठर रस में है ना, जो जठर रस मतलब क्या भाई, आपके जो पेट वाली, जो पेट वाली जो पोर्शन है वहाँ पे क्या प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन हुआ, ये देखो ये पेप्सिन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बनता है क्वेश्चन है ना, पेप्सिन, पेप्सिन व रेनिन के साथ साथ जठर म्यूसिन भी पाया जाता है, कहाँ आपके किसके बात कर रहा है भाई, आमाशय में आहार नाल की जो सबसे चौड़ी क्या होती है थैलीनुमा जो संरचना होती है वहां की बात चल रही है, जहां पर जठर म्यूसिन और क्या है भाई आपके पेप्सिन और रेनिन नाम के क्या है आपके अम्ल जो है और सॉरी एंजाइम जो है यहाँ पाया जाता है। इसमें एचसीएल अम्ल के उत्पादन द्वारा भोजन के हानिकारक जीवों का विनाश जो कि करता है भाई। तो ये क्या हो गया अमाशय में स्त्रावित एचसीएल का कार्य बताइए, तो ये क्या करता है एचसीएल का कार्य, ये जो जो लिखा हुआ है जितना भी टर्म जिसने वर्णन किया ये सब क्या करता है एचसीएल का कार्य में आता है भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। और कुछ इसका एडवांस देखना है आपको बिल्कुल हमारे ऐप में ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है ना। तो यहाँ तो की बात समझ में आई, ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में से है। और कुछ इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है सर इस पर चर्चा करते हैं, भोजन को लेकर पौधे जंतु में आपस में किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में बताइए, भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये न किसी बायोलॉजी संबंधित है, न किसी आपके रासायनिक संबंधित है, न किसी फिजिक्स से संबंधित है, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि कैसे ये इंटर लिंक है, मतलब ये कैसे संबंधित है आपके भोजन को लेकर पौधे व जंतु में, क्योंकि भोजन की आवश्यकता हर किसी को होती है ना। तो इसको अगर आंसर देना चाहे तो हम अपने खुद दिमाग लगा के भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आंसर आपको स्पेसिफिक रूप में चाहिए तो हम देख सकते हैं क्या बोलता है सर ये बोलता है कि सभी जीवों की तरह हरे पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या करता है भाई वही ग्रहण करेगा जो भोजन, तब जाके वो हमारे लिए ऑक्सीजन गैस देता है, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है ना। ये बात समझ में आई भाई, भोजन की आवश्यकता सबको होती है, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सब उसको क्या करते हैं फिर कंज्यूम करते हैं, फिर अपशिष्ट पदार्थों को त्याग करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है, तब जाके हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, है ना। हाँ, तो आप फिर क्या बात चलते हैं सर कि पौधे जो खनिज पदार्थों व पानी का अवशोषण मिट्टी से करते हैं ये तो पता ही है, मैंने बताया ही था इसके बारे में, साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थों को पौधे स्वयं बनाते हैं, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पानी H2O क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब क्या पता चलता है सर कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरे पौधे करते हैं और पौधे द्वारा भोजन के बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वही बोला जैसे मैंने डिस्कस किया, सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों या पौधे के रूप निर्भर करता है और खाद्य श्रृंखला बनाता है सर, हम ही इसी को यूज करते हैं और हमारा प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ तक के बात समझ में आया भाई, ये जो है सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है और बिल्कुल अच्छे से लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 नंबर के हिसाब से ही लिखिए, ज़्यादा नंबर का मतलब ज़्यादा लंबा लेके जाकर इसको टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई भाई, आगे बढ़े अब देखते कुछ क्वेश्चन और है। रुधिर के कोई 3 कार्य लिखे, रक्त या रुधिर की कणिकाएं कितने प्रकार होती है, देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 2020 में, हो सकता है 2023 में पूछ दिया जाए सर, ये बीच बीच में प्री बोर्ड में भी आता रहता है। रुधिर के 3 कार्य लिखे और ये कितने प्रकार, इसको भी समझाइए, बताइए भाई रुधिर, अगर रुधिर की बात करूँ तो ये कितने होते हैं सर। मैं सबसे पहले बात करूंगा किसके, लाल रक्त कणिका के बारे में, और ये हुआ पहला टाइप, दूसरा क्या है सर श्वेत रक्त कणिका, तीसरा क्या होता है सर ये होती है आपका पट्टी कणु कोशिका होती है। अब ये इसके बारे में धीरे धीरे चर्चा चालू करेंगे कि सर ये क्या होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और ये तीनों, तो मतलब ये है कि जो आपके रुधिर ब्लड कहा जा सकता है ये होती कैसे सर। इसका बात करूं तो कुछ जो है, जैसे मैं बोलूं लाल रक्त कणिका इसका यूज कैसे होता है, श्वेत रक्त कणिका इसका यूज कैसे होता है हमारे बॉडी में, ये क्या काम करता है सर, तो मैं बोलूं जो जंग लड़ता है या फिर जो सैनिक होते हैं हमारे, है ना, जो सैनिक होते हैं या फिर जो हमारे दुश्मनों से जो बचाते हैं उसका काम करने वाला है भाई श्वेत रक्त कणिका, और जो मेन रूप से आपको ऊर्जा दे रही है या फिर ये बोल दूं जो आपके शरीर में ब्लड को पूरा
पहुंचा रहा है पूरे सभी जगह में, पूरे पोषक तत्वों के पहुंचाने का काम करता है कौन भाई, ट्रांसपोर्ट का काम करे अगर कोई, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है भाई, लाल रक्त कणिका। फिर डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस की बात कौन करता है सर, डिफेंस की बात करता है, डिफेंस मतलब क्या, रक्षा की बात कौन करता है, रक्षा कौन करता है सर, वो करता है सर वो है श्वेत रक्त कणिका। यहां तक की बात समझ में आई, जेट प्लस सिक्योरिटी देता है आपको, है ना, कौन आपके श्वेत रक्त कणिका। चलो देख लेते हैं सर थ्योरी की बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। तो मैं बात करना चाहूँ किसके बारे में भाई, मैं बात कर रहा हूँ लाल रक्त कणिका, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि O2 के वाहक का कार्य करता है। O2 के वाहक मतलब सर पूरा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन करता है, बॉडी में ब्लड को ले जाता है, मतलब रहता है ब्लड में ही रहता है, ठीक है सर, लेकिन उसमें ऑक्सीजन को परिवहन के रूप में यूज करता है, ऑक्सीजन को ही मूवमेंट कराता है, ऑक्सीजन को ही पूरा बॉडी में चलाता है, मतलब यहां से लेकर मैं अगर यहां की बात करूं कंप्लीट बॉडी की, तो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला कौन है भाई, वो है लाल रक्त कणिका। ठीक है आगे बढ़े भाई, आगे देखते हैं सर कि श्वेत रक्त कणिका क्या होती है। श्वेत रक्त कणिका जेड प्लस सिक्योरिटी देता है, है ना, मतलब क्या करता है भाई, आपके एनीमिया से बचाता है, मतलब या फिर कुछ आपके बोलूं अगर वायरस आ गया आपके बॉडी में, या फिर ये बोलूं कि अब आप ट्रेवलिंग किए कहीं कहीं गए, अब आपको क्या पता चलता है कि अगले दिन आपको सर्दी हो गया, है ना, धूल दस्त के कारण क्या होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तबीयत खराब होने ही वाली है, तो आपके बॉडी में जो है आपके जो ब्लड में है क्या, आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स मतलब जो श्वेत रक्त कणिका, वो क्या करता है, वो उसको धूल डस्ट को दूर फेंकने काम करता है, या फिर वायरस से लड़ने की कोशिश करता है कि हमारे इस शरीर को, हमारे इस भैया के शरीर को आप जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप कोई जरूरत नहीं है धूल कण, आप निकलो करके वो लड़ता रहता है। अगर आपके इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इसी में बात आती है इम्यूनिटी सिस्टम की, वो अच्छा रहे स्ट्रांग रहे तो अच्छे से लड़ पाते हो, और अगर क्या होता है कम होता है तो आपको बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाता है ना। फिर मेडिसिन लेते हो, पेन किलर लेते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, क्या करता है फिर वो उस क्या करता है, विषाणु को दूर करने के लिए, वायरस को दूर करने के लिए लड़ता है और मदद करता है आपके बॉडी को, फिर क्या होता है तबीयत ठीक हो जाता है, फिर आप पढ़ने लग जाते हैं, है ना भाई। चलो ये हुआ इसका श्वेत रक्त कणिका। फिर वो तीसरा है वो क्या बोलता है सर, इसका काम होता है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। रुधिर का थक्का, थक्का मतलब क्या, अब मैं बोलूं मैं सब्जी काट रहा हूं सर, ठीक है, अचानक से मेरा ध्यान हमारे वीडियो लेक्चर में गया, अभिप्सा में सर अचानक से आ गए और मैं डर गया, है ना, तो सब्जी काटते करते क्या हुआ, मेरा उंगली कट गया सर। अब उंगली कटा मतलब ज्यादा जोर से नहीं कटी, थोड़ा सी ब्लड आ गई, अब ब्लड आई मतलब रक्त आ गया, रक्त आया तो मुझे पता चला सर कि यहाँ पर ब्लड निकलने वाला है। फिर मैंने उसको क्या किया, थोड़ा से पट्टी वट्टी बांधा, फिर देखता हूँ कि थोड़े देर बाद 30 सेकंड बाद या फिर 1 मिनट बाद देखा कि वो जो है ब्लड आना वो बंद हो गया, वो जम गया यहाँ पास, वो जम गया मतलब क्या, वो रुक गया ब्लड का आना, अगर रुक गया ब्लड का आना मतलब ये सर यहाँ पर थक्का जम गया, थक्का जम गया मतलब आना फ्लो जो है रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं भाई ब्लड का थक्का जमना। उसका काम कौन करता है भाई, ये तीसरे नंबर का जो कण है वो उसका काम करता है। यहां तक की बात समझ में आई, क्लियर हुआ बच्चों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को हमें डील करना है भाई, ठीक है। अब चलते हैं, देखो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है भाई, इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।